पैन इंडियन लेवल में कंपटीशन काफी तगड़ा है, लेकिन एनटीआर की फिल्में हर बार कंपटीशन को बीट कर जाता है और एनटीआर की मूवीज बॉक्स ऑफिस पर चलती नहीं दौड़ती है। सो लेजेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एनटीआर की आने वाली फिल्मों के बारे में। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। एंड गाइस, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल में प्रेस कर दी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को जल्द से स्टार्ट करते हैं। नंबर वन में आता है वॉर 2। एनटीआर की फिल्मों को हिंदी ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उनकी हर मूवीज हिंदी में भी आती है, लेकिन आज तक किसी हिंदी फिल्म के अंदर काम नहीं किया है एनटीआर ने, लेकिन अब करने जा रहे हैं जो एनटीआर एंड ऋतिक रोशन की आने वाली मच अवेटेड मूवी है, जिसके अंदर एनटीआर बेसिकली एक नेगेटिव किरदार प्ले करने वाले हैं, जिसका डायरेक्टर है आयन मुखर्जी, जहां पर यशराज फिल्म्स ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जो साल 2019 की एक हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी वॉर का सीक्वल है और ये यशराज की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा भी है। सो वॉर 2 का शूटिंग अभी स्मूथली चल रहा है और जल्दी ही एनटीआर इस शूट को ज्वाइन भी करने वाले हैं, जिसका करंटली एक सॉन्ग का शूटिंग चल रहा है, जिसके लिए ऑडियंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो सिनेमा घरों में 14 अगस्त 2025 के मौके में रिलीज होने वाली है। नंबर 2 में आता है देवरा पार्ट 2। पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस के चित्रे कर रखा है और आज रिलीज के बाद ही ब्लॉकबस्टर का टैग ले लिया है। सो एनटीआर की देवरा पार्ट 1, जिसको ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। सो फिल्म का एंडिंग पहले पार्ट में नहीं सेकंड पार्ट में होने वाली है, क्योंकि देवरा 2 पार्ट्स के साथ बनने वाली मूवी है, जिसके पहले पार्ट को डायरेक्शन दिया है कोरटला सिभा ने, स्टेयरिंग एनटीआर, जानवी कपूर एंड सैफ अली खान, जो अकॉर्डिंग टू अपडेट अप्रोक्स 300 करोड़ की बजट के साथ बनने वाली मूवी है। अब पहले पार्ट के एंडिंग के बाद का स्टोरी सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंग टू अपडेट सेकंड पार्ट के अंदर बॉबी देओल नेगेटिव किरदार प्ले करने वाले हैं, लेकिन इस चीज को मेकर्स ने अभी कंफर्म नहीं किया है। सो देवरा पार्ट 1 रिलीज हुई है 27 सितंबर 2024 को, अब सेकंड पार्ट देखने को मिल सकता है 2025 के एंड में। पार करके समंदर पे गलत काम करने कोई उतरा। नंबर 3 में आता है ड्रैगन। सो काफी समय पहले से एनटीआर की एक अनटाइटल्ड मूवी एनटीआर 31 को लेकर बात चल रहा था, जो कि डायरेक्टर प्रशांत नील की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाली है प्रशांत नील की एक ड्रीम हीरो एनटीआर के साथ। ड्रैगन यानी कि एनटीआर 31 इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की आने वाली मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है, जिसको डायरेक्शन प्रशांत नील देंगे, जिन्होंने KGF एंड सलार जैसी कमाल की फिल्में दी है, जिसको मैत्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस करेंगे, जो बड़े स्केल एंड बड़े बजट के साथ बनने वाली एक बड़ी पैन इंडियन मूवी है, जिसको रिसेंटली मेकर्स ने रिलीज डेट के साथ अनाउंस कर दिया है। सो एनटीआर 31 का अभी प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है, जिसका शूटिंग इस साल के एंड से स्टार्ट होगा। सो बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की, तो इस मूवी को 9 जनवरी 2026 के मौके में रिलीज किया जाएगा। नंबर 4 में आता है RRR 2। RRR जो NTR की मोस्ट सक्सेसफुल मूवी है, जिसके पहले पार्ट को ऑडियंस की तरफ से काफी तगड़ा रिस्पांस मिला था, जिसने रिलीज के बाद वर्ल्ड वाइड 1300 करोड़ की कलेक्शन की, और अब बारी है दूसरे पार्ट की, जो कि इससे भी ज्यादा कलेक्शन करेगी। और RRR 2 जिसको डायरेक्शन देने वाले हैं SS राजामौली सर, क्योंकि RRR के सक्सेस के बाद सेकेंड पार्ट को लेकर SS राजामौली सर ने बात किया था, जिसको लिखेंगे उनके पिता KB विजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने RRR के साथ बाहुबली, बजरंगी भाजन जैसी कमाल की फिल्म की स्टोरी लिखे हैं। सो RRR 2 के अंदर NTR के साथ रामचरण भी नजर आए और पहले पार्ट के अंदर इस जोड़ी को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। सो RRR 2 के लिए ऑडियंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो इंडियन मोस्ट हाईली एंटिसिपेटेड मूवी है, जिसका सेकेंड पार्ट बनने वाला है, लेकिन बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि SS राजामौली सर अभी उनकी एक अपकमिंग प्रोजेक्ट SSMV 29 पर बिजी है, जो तीनों पार्ट्स के साथ बनने वाली एक जंगल एडवेंचर मूवी है, जिसको बनने में मिनिमम 3 साल तो लग जाए, और 3 साल यानी कि 2027 तक और 2027 के बाद ही आपको RRR 2 देखने को मिल सकता है।
नंबर 5 में आता है एनटीआर की आने वाली एक अनटाइटल मूवी। सो काफी समय पहले एनटीआर की एक अपकमिंग मूवी का अपडेट निकल के आया था, जो बेसिकली एनटीआर एंड त्रिविक्रम की आने वाली एक बड़ी मूवी होगी। और डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास जिन्होंने अलभ है केंद्र, पुरामल्लो, भीमला नायक एंड गुंतुर करम जैसी कमाल की फिल्में दी है, और अब एनटीआर के साथ एक बड़ी मूवी प्लान कर रहे हैं जिसको मैत्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस करेंगे। इससे पहले त्रिविक्रम श्रीनिवास एनटीआर के साथ अरब समिंता जैसी कमाल की फिल्में कर चुके हैं, और अब जो ये मूवी बनने वाली है वो एनटीआर की 33 या 34th मूवी हो, जो बेसिकली एनटीआर की आने वाली एक बड़ी एक्शन ड्रामा मूवी हो, जिसको अभी अनाउंस नहीं किया गया है लेकिन जल्दी ही होने वाली। लेकिन इस मूवी के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीआर की आने वाली फिल्मों के लिस्ट में काफी सारे फिल्में है। नंबर 6 में आता है एनटीआर की आने वाली एक और अनटाइटल मूवी। सो संदीप रेड्डी भांगा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो काफी बड़े डायरेक्टर हैं, जो बेसिकली वायलेंस जॉनरा की मूवी से जाने जाते हैं। अब उनकी डायरेक्शन में बनने वाली एक मूवी है जिसके अंदर एनटीआर काम करेंगे, मतलब एनटीआर के साथ संदीप रेड्डी भांगा एक बड़ी कोलैब करेंगे, क्योंकि देवरा के प्रमोशन के समय पे एनटीआर ने संदीप रेड्डी भांगा के साथ एक मीटिंग किया था, और उस समय पे संदीप रेड्डी भांगा के साथ एनटीआर की एक फोटो काफी ज्यादा वायरल चल रहा था, और अपडेट के अकॉर्डिंग इन दोनों की एक मीटिंग भी हुई है जिसमें काफी सारे फिल्मों को लेकर भी बात चल रहा था, और ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं आने वाले समय पे एक बड़े प्रोजेक्ट पर, और इन दोनों की कोलैब काफी तगड़ी होने वाली है जिसके लिए ऑडियंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो बेसिकली हाईली एंटीसिपेटेड कोलैबोरेशन है। लेकिन इस मूवी के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि संदीप रेड्डी भांगा अभी स्प्रिट को लेकर बिजी है, जो प्रभास के साथ आने वाली एक कॉप एक्शन मूवी होगी, और एनटीआर भी उनकी कुछ अपकमिंग फिल्मों को लेकर बिजी है जिसको खत्म करने में मैक्सिमम 5 साल तो लग ही जाएंगे, और उसके बाद ही आपको संदीप रेड्डी भांगा के साथ एनटीआर की ये मूवी देखने को मिलेगा। सो यही था एनटीआर की आने वाली मूवी। इनमें से कौन से फिल्म के लिए आप इंतजार कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे इस चैनल पे आते रहेंगे। और अभी तक आपने मुझे अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही, चलिए वीडियो को खत्म करते हैं।